हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावत रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिल्ली वाली देगी मटन दम बिरयानी की रेसिपी। ये बिरयानी बिल्कुल देग स्टाइल में बनाई गई है और खाने में बहुत यमी लगती है। काफी व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे जरूर देना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन लिया है और मटन में हम ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमने कच्चा पपीता लिया है, कच्ची पपीते की पेस्ट ली है। तो सबसे पहले हम ये कच्चा पपीता मटन को लगा लेते हैं और अच्छे से मसाज कर लेते हैं मटन के साथ। तकरीबन 5 से 7 मिनट हमें इसे अच्छे से इस तरह से मसाज करना है मटन का पेस्ट से, ताकि अच्छे से ये जज्ब हो जाएगी और मटन को हर झट से गला देगी। देखिए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और हमने अच्छे से जो पपई का पेस्ट था यह मटन में अच्छे से लगा लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है 6 टेबलस्पून। तो अब हम इसको अच्छे से मसाज करते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट से। दो से तीन मिनट सिर्फ इसका मसाज करना है, ज्यादा नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और हल्दी पाउडर। नमक लिया है हमने यहाँ पे 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून। तो आप अपने हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मसाला पाउडर जो हमने यहाँ पे लिया है, बिरयानी मसाला पाउडर। ये देगी मसाला पाउडर है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इसका लिंक मैंने अपने आई बटन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इसकी क्वांटिटी 1 किलो की है, 1 किलो मटन के लिए या फिर 1 किलो चिकन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और मटन को लगाना है इस तरह से, ताकि एक एक बोटी को, एक एक पीस जो है अच्छे से मसाले में कोट हो जाए। हमने इसका 2 मिनट मसाज कर लिया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, वो हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें यहाँ पे बिरिस्ता जो हमने लिया है, तली हुई प्याज ली है 6, हमने मीडियम साइज की तली हुई प्याज को इस तरह हाथों से इसको हल्का सा हमने चूर लिया है, मसल लिया है हल्का सा, और इसमें हम इसको डाल देते हैं। अगर आपको इसकी भी रेसिपी देखनी है तो मेरे आई बटन में मिलेंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। हमने यहाँ पे 2 कप दही लिया है, गाढ़ा दही है, बीट किया हुआ दही है। और अब हम दही के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से इसका हमने मिक्स किया है, अच्छे से मसाज किया है, तो गोश्त भी हमारा जो है वो झट से गल जाएगा। अच्छे से हमने मसाला सारा मिक्स कर दिया है और अब हम इस मैरिनेशन को 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो हमारे 1 घंटा हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल, यानी कि तेल ऐड किया है हमने। और उसके बाद फ्लेम को ऑन किया है हमने, और उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर। बारीक चॉप कट करके हमने टमाटर लिए है 2 बिग साइज के। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना, जो हाथों से हम तोड़कर इसमें डाल देते हैं। पुदीने से एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। तो अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा है और फ्लेम को हम हाई रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे ही हम इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको ढककर रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, पकने के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ देते हैं।
साइड में पक रहा है, उसी वक्त में हमने साइड में एक ये लिया है बर्तन, और बर्तन में हमने पानी ऐड किया है। पानी हल्का सा गर्म हो चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, और उसके बाद 3 आलू के हमने छिलके उतार लिए और आलू को हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। ये पूरा ऑप्शनल है, अगर आपको आलू पसंद है तो आप हाफ डन करके ले सकते हैं, इसको हमें हाफ डन करना है। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कलर, यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा आलू को अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो आलू को हम हाफ डन कर लेते हैं। देखिए मटन को हमारे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको अच्छे से फिर से चम्मच से चला लेते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, और अब हम इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो हाफ डन किए हुए आलू है, जो हमने पानी से निकाल दिए हैं, मिक्स करेंगे आलू के साथ। और मटन तो हमारा झट से गल जाएगा, क्योंकि हमने इसको पपाया का पेस्ट भी लगा लिया था, इसलिए अब हम इसको खुले से ही पकाएंगे। और साइड में हम राइस की तैयारी कर लेते हैं। राइस के लिए हमने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो देखिए पानी को अच्छा बॉईल आ रहा है। हमने हरी इलायची ली है 3, और यहाँ पे हमने बादियान का फूल लिया है 10, हमने काली मिर्चे ली है 2, हमने ये जो स्टिक है सिनेमन स्टिक लिए है, काली इलायची ली है, और हमने 4 लौंग लिए है, और 1 टीस्पून भर के हमने शाही जीरा लिया है। तो ये सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून भर के नमक लिया है, तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसमें पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, और अच्छे से हम इसको बॉईल आने तक रख देते हैं। देखिए हमारे पानी को अच्छे से बॉईल आ चुका है। हमने यहाँ पे राइस लिया है, राइस को हमने 1/2 घंटा हमने इसको भिगोकर रख दिया था। अगर आपका सेला चावल है तो आप इसको 1 से 1.5 घंटा भिगोना। और ये देखिए हमने यहाँ पे बासमती राइस का इस्तेमाल किया है, जो लंबा वाला होता है, तो इसको हमने 1/2 घंटा भिग कर छोड़ दिया था। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस को, देखिए राइस हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, हमने इसको 75% पका लिया है। हमारा जो मटन है अच्छे से गल चुका है, और हमारे जो ये मसाले की जो कंसिस्टेंसी है ये इतनी होनी ज़रूरी है। देखिए ये ना ज़्यादा सूखा हुआ है मसाला, और ना ही ज़्यादा ये ज़्यादा इसमें लिक्विड है, और ये ना ही ज़्यादा इसमें ग्रेवी है। तो देखिए ये कितना बेहतरीन लग रहा है। तो अब हम इसके ऊपर राइस जो बॉयल किया हुआ है वो इस पर डाल देते हैं। आधा राइस हमने मसाले के ऊपर डाल दिया है, और ऊपर से हम 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी को हमने मेल्ट कर लिया है, और बचा हुआ राइस अब हम इसमें ऐड करेंगे। ऊपर से हम फिर से ये घी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून घी इसमें चला गया है। और अब हम ऊपर से ऐड करेंगे केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून। यहाँ पर हमने येलो जर्दे के कलर को यहाँ पे पानी में इसको घोल करके लिया है, और ऊपर से इसको डाल देते हैं, एक अच्छा सा कलर आ जाएगा राइस को। और हल्का सा हरा धनिया ऐड करेंगे ऊपर से, और तली हुई प्याज भी ऐड करेंगे ऊपर से। यहाँ पर फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है, आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इस तरह से इसको पैक कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह हम इसको ढककर रख देते हैं। हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखना होगा, और इसके नीचे अब हमें पुराना तवा डालना होगा। तो ये बर्तन मेरा जो है ये तले में ये जो बॉटम में अच्छा है, हेवी है, इसलिए मैंने इसके नीचे पुराना तवा नहीं डाला है। अगर आपका बर्तन तले में पतला है तो आप इसके नीचे कोई तवे का इस्तेमाल करना पतले वाले, और फ्लेम को लो ही रखना। दम पे रख दिया था, तो देखिए कितनी बेहतरीन बन गई है, और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और देखिए इसको 15 मिनट हमने इसको रख दिया था दम पे, तो देखिए इसका कलर और एक एक दाना दाना कैसे खिल चुका है,
और बेहतरीन खुशबू आ रही है, तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए मटन दम बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो गई है और हमने इसे सर्व किया है। देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है और खाने में बहुत यम्मी बनी है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना। और इसका जो मटन है ये बहुत अच्छे से गल गया है, सॉफ्ट बना है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना, आपको जरूर पसंद आएगी। और मुझे कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।